फ्रेंड्स नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग चक के बारे में जानेंगे, ठीक है। चक यानी कि इंडस्ट्रियल भाषा में इसको जो है हम लोग चक्का भी बोलते हैं। आपका लेथ मशीन हो, सीएनसी मशीन हो या वीएमसी मशीन हो, उसमें जॉब को पकड़ने के लिए, जॉब को होल्ड करने के लिए जिस डिवाइस या मैकेनिज्म का हम लोग यूज करते हैं ना, उसको चक बोलते हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से चक के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि चक कहते किसे हैं, यानी चक का डिफिनेशन क्या है, और चक कितने प्रकार का होता है, और किस प्रकार यानी किस प्रकार के चक का, किस टाइप के चक का यूज हम लोग किस टाइप के जॉब बनाने में करते हैं, यानी कि जॉब के आधार पे किस टाइप का चक को हम लोग सिलेक्शन करते हैं। और वीडियो में दोस्तों हम ये भी बताएंगे कि इस चक का मेंटेनेंस क्या है, चक को मेंटेनेंस के लिए किस किस पॉइंट पे ध्यान देने की आवश्यकता है, चक का सेटिंग कैसे करते हैं, चक को असेंबल कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि चक के बिना आप किसी जॉब को बना ही नहीं सकते हैं। आप कितने भी बड़े प्रोग्रामर हो जाए या कितने भी बड़े टेक्नीशियन हो जाए, अगर आपको चक के बारे में संपूर्ण नॉलेज नहीं है तो आप फेल हो सकते हैं। ये हो सकता है कि आप जहां जॉब कर रहे हैं वहां पहले से चक सेटिंग है और वहां पे आप अपना काम चला लेंगे, लेकिन जब भी आप जॉब छोड़ के जाएंगे ना, तो वहां ये जरूरी नहीं है कि आपका वहां पे जिस टाइप से जॉब बनता था उसी टाइप का जॉब आपको अगले फैक्ट्री में भी मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग चक के बारे में संपूर्ण जानकारी यहां से लीजिए, और संपूर्ण जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को, और आप इस वीडियो का आनंद लीजिए। और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चक क्या है। दोस्तों चक जो है एक विशेष प्रकार का क्लैंप है, जिसको हम लोग किसी मटेरियल को रेडियली समरूप ढंग से पकड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका यूज जो होता है ना, अधिकतर सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। कोई भी मशीन हो, जैसे लेथ मशीन हो, सीएनसी मशीन हो, बीएमसी मशीन हो, या कोई अन्य मशीन हो जिसमें घूमते हुए वर्क पीस को अगर होल्ड करना है, तो वहां हम लोग चक का यूज करते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं इसका यूज जो होता है ना, कटिंग टूल को पकड़ने में भी किया जाता है। जैसे आपका ड्रिल मशीन हो गया, ड्रिल मशीन में जो हम लोग कटिंग टूल यानी ड्रिल बिट को पकड़ते हैं ना, वो भी एक प्रकार का चक ही होता है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे कि चक क्या होता है। अब आगे हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ, दोस्तों अब हम लोग जानेंगे चक के प्रकार, यानी कि कितने प्रकार के आपका चक होता है, टाइप ऑफ चक। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 7 प्रकार के चक के बारे में बताएंगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट चक जो होता है दोस्तों, इंडिपेंडेंट चक, ठीक है। इंडिपेंडेंट जो होता है उसका एक उदाहरण आपका 4J चक है। इसमें क्या होता है, जो 4J होता है ना, वो पूरे इंडिपेंडेंट होता है। आप जिस जॉ को चाहे उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। दोस्तों ये 6J में भी आता है और 8J में भी आता है। आगे आता है दोस्तों आपका यूनिवर्सल चक। यूनिवर्सल यानी आप 3J चक भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना कि आप एक जगह अगर कहीं टाइप करते हैं तो तीनों साइड से समरूप तरीका से टाइप होता है। लूज करने के लिए एक ही बोल्ट को अगर आप लूज करते हैं ना, तो तीनों जो है आपका जो है वो बाहर की ओर खुलता है। दोस्तों इसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे, इसमें किस प्रकार का जॉब का यूज करते हैं, आप लोग ये समझ लीजिए कि कितने प्रकार के चक होते हैं, ठीक है। तीसरा होता है दोस्तों कॉम्बिनेशन टाइप चक, ठीक है। चौथा हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक चक, पांचवा पढ़ेंगे कॉलेट चक, ठीक है, और छठा पढ़ेंगे एयर और हाइड्रोलिक ऑयल टाइप चक। इस चक में हम लोग क्या करते हैं, क्लैंपिंग और डिक्लैंपिंग के लिए एयर या हाइड्रोलिक ऑयल का यूज करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चक है और इसका यूज जो है ना बृहद पैमाने पे होता है, ठीक है दोस्तों। और सातवां है आपका ड्रिल चक, यानी कि जो हम लोग ड्रिल मशीन में यूज करते हैं छोटा चक को, उसको हम लोग ड्रिल चक बोलते हैं, ठीक है। तो सभी प्रकार के चक को एक एक करके विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपका फर्स्ट जो था वो तो क्या था, इंडिपेंडेंट, I N D E P
अगर स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो तो दोस्तों आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट चक, ये क्या है? इंडिपेंडेंट का हिंदी होता है स्वतंत्र, यानी कि ये स्वतंत्र है। अगर इसमें मान लीजिए ये कोई चक है और इसमें अगर ये चार ज लगा हुआ है, ठीक है, चक में ऐसे ज लगा हुआ होता है ना, और यहां जो आपका ये होल रहता है और यहां पे इसके प्रत्येक ज के ऊपर आपका एक स्क्रू टाइप का बना हुआ रहता है और इसमें हम लोग हैंडल डाल के इसको टाइट और लूज करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दो जॉ होता है, एक तो ये आपका मास्टर जॉ हो जाता है नीचे, और इसके ऊपर एक हम लोग जो है जॉ लगाते हैं जिससे हम लोग जॉब को पकड़ते हैं, ठीक है। इसमें ये एलेंकी बोल्ट होता है जिसके सहायता से हम लोग जॉ को पकड़ते हैं। किसी भी चक में दोस्तों दो प्रकार का जॉ होता है, एक मास्टर जॉ हो गया और एक सेकेंडरी जॉ होता है जिससे हम लोग जॉब को पकड़ते हैं। तो दोस्तों इंडिपेंडेंट चॉक में बस यही है आपका कि ये जो चारों जो ज है ना ये स्वतंत्र है, आप जिसको भी चाहे ऊपर नीचे करने के लिए ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, किसी भी प्रकार का जॉब हो, चाहे आपका स्क्वायर जॉब हो या गोल जॉब हो या हेक्सागोनल जॉब हो आपका, किसी भी प्रकार का जॉब हो, इसको हम लोग इसमें पकड़ सकते हैं। इसका जो पकड़ होता है ना बहुत हैवी होता है। अगर हमको किसी मटेरियल को हाई स्पीड में घुमाकर कटिंग करना है या हाई एक्यूरेसी में काम करना है और बड़ा मटेरियल है तो वहां हम लोग इस चक का यूज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, हम कोशिश करेंगे कि छोटा छोटा वीडियो बनाकर एक एपिसोड बनाए चक के बारे में पूरा, और आप उसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।